अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9। देखें, ये एक बिल्कुल नई शक्ल में आपको दे दिया गया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। आपको ये जो दोनों पार्ट दिए गए इनमें सेम है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। आपको इस टेबल को कॉपी करना है और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको कंप्लीट करना है। जो जो एम्प्टी आपको दिख रहे हैं, जैसे दो y की वैल्यूज़ नहीं पता आपको, दो x की वैल्यूज़ नहीं पता, तो इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए का मैंने टेबल कॉपी कर लिया है। आप भी जब क्वेश्चन उतारेंगे तो उसमें टेबल कॉपी करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ पर द क्वेश्चन, वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब हम इस प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, उसकी वजह से राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट आ जाएगा के, और ये एक्स वैसे ही रहेगा। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का, और के क्या है यहाँ पे, के है एक कांस्टेंट। इट इज़ बेटर टू मेंशन दैट के इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इस y की, अच्छा हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट किए बगैर इक्वेशन नहीं बना सकते। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो आप इस टेबल को देखिए। इसमें देखिए कुछ वैल्यूज़ आपको x के गिवन है, कुछ वैल्यूज़ y के गिवन है, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ x और y दोनों गिवन है। तो ये जो जहाँ पर आपको x और y दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी वो वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे फॉर k। तो ठीक है, पहले हम काम कर रहे हैं फॉर के के लिए काम करेंगे। क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू 24 एंड वाई इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करें एक्स 24 और वाई है आपका 6। तो आपने पुट किया वाई की जगह पे 6, k की जगह पे k ही रखेंगे, x की जगह पे रखा आपने 24। अब आप इस k को सेपरेट करेंगे, 24 को दूसरी साइड पे ले जाइए, 6/24 इक्वल्स टू k। इसको k के फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, k का आंसर आया है आपके पास 1.4। मेरी सजेशन ये है कि आप इस k के आंसर को फ्रैक्शन में ही रखिएगा, इसको डेसिमल में नहीं लाइएगा, इसको 0.25 करके नहीं लिखिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसे आगे यूज़ करेंगे तो उसमें हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैं इस k को पुट कर दूँगी, पुट k इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1। ये जो k की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं इक्वेशन 1 में, तो y अपनी जगह वैसे ही रहेगा, k की जगह पे मैंने रखा 1/4 और x की जगह पे x। अब देखिए ये x हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू x1 × x, यानी x/4। तो ये आपकी बन गई है इक्वेशन, और इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन a का। अब हम बाकी की वैल्यूज़ निकालने के लिए इस इक्वेशन ए का इस्तेमाल करेंगे। हमें करना है ये टेबल कंप्लीट। देखिए ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। पहली वैल्यू इस टेबल में हमें गिवन है एक्स की, जबकि इसका वाई हमें नहीं पता, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल्स टू 4, y हमें अननोन है, हम यूज़ करेंगे यही सेम इक्वेशन y इक्वल्स टू x/4, और इसमें x की जगह पे रख देंगे 4, तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, तो हम x की जगह पे रख रहे हैं 4, तो डिवाइड में भी 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, y का आंसर आपके पास क्या आएगा, y का आंसर आएगा आपके पास 1। तो आप ये देखिए, अगर मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया होता तो कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती, ये फ्रैक्शन में था तो कितनी आसानी के साथ ये कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में हमें एक्स गिवन है, क्या एक्स गिवन है 20, जबकि अगेन वाई हमें नहीं पता है, वाई हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, वाई इक्वल्स टू x/4, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x रख देंगे यहाँ पे 20 × 4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। हमने इसे 4 के टेबल के साथ कैंसिल किया है, y इक्वल्स टू 5। तो इसे आप x के अगेंस्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। x 4 था तो हमने y कैलकुलेट किया 1,
20 था तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 5। आप इस टेबल को फिल करते जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वैल्यूज फाइंड आउट होती जाएँ, अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू 9 के अगेंस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम इसे यहाँ टेबल में फिल कर देंगे। इसी तरह हमारा टेबल कम्प्लीट हो जाएगा। फॉर y इक्वल्स टू 9 आपको x फाइंड आउट करना है, x नहीं पता, यूज़ करेंगे सेम इक्वेशन y इक्वल्स टू x अपॉन 4 और इसमें y की जगह पे पुट कर देंगे 9। इस बार हमें x कैलकुलेट करना है। ये जो 4 है इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के साथ, तो आपका x का आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू x। मैं इसको फ्लिप करके लिख रही हूँ, x इक्वल्स टू 36। ये आपका x का आंसर आ गया 36। नेक्स्ट आपको गिवन है फॉर y इक्वल्स टू 11, आपको अगेन फाइंड आउट करना है इसका x। तो आप क्या करेंगे, वही इक्वेशन यूज़ कीजिए, y इक्वल्स टू x अपॉन 4, और जो है आप क्या करेंगे, आप इस अगेन y की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू 11, x की जगह पे x रखेंगे और डिवाइड में 4। जब आप इस 4 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 4। x को फाइंड आउट करने के लिए हम 4 को ले गए इक्वल टू के दूसरे साइड पे, तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने फ़्लिप करके लिख दिया, x आ जाएगा आपके पास 44, ठीक है। y की दो वैल्यू के अगेंस्ट हमने जो x फाइंड आउट किया था, 9 था तो हमने फाइंड आउट किया था x 36, 11 था तो हमने x फाइंड आउट किया था 44। तो ये देखिए हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, इट मींस क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा।